लगा है तो वो लोग को भी बहुत हिम्मत मिलता है और वो लोग और पेंटिंग्स बनाते हैं और खुशियाँ बढ़ता है। और स्पेशली इवन जो लोग खाने आते हैं उनको भी अच्छा लगता है देख के। सर ब्यूटीफुल पेंटिंग हमें अभी यहाँ पे देखने को मिली है, इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? सो हम लोग का आइडिया ऐसा था कि हम लोग ना लोकल कैप्चर करने वाले कि एरिया में क्या है, क्या स्पेशलिटी है, कैसे दिखता है जगह, तो वो देख के हम लोग ने ये पेंटिंग का डिपिक्ट किया है। हमने उनको बताया था कि हम लोग को क्या चाहिए था, तो जो आर्टवर्क जो बना है पेंटिंग पवई एज अ होल, सिंस द स्टोरीज इन पवई, एमओडी पवई में सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे देखिएगा ये सेक्टर पे देखना सर, इस कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? तो ये कोलैबोरेशन तो अभी रिसेंटली किया है हमने, पहला स्टोर तो पुलावा था और आज पवई देख रहे हैं आप, तो ये बहुत इंक्लूसिव कोलैबोरेशन है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग नहीं कर पाते सोसाइटी में, तो तुम लोग उनको चांस दे रहे to associate with us, so that becomes a little bit easier for them also, you know, to spend happiness along with us. So that's what the idea was. Hello sir. Hello. इस collaboration के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ये I think बहुत अच्छा initiative है, especially मतलब जब disabled लोग की paintings एक पब्लिक स्पेस पे रहती है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो डिसेबल्ड लोग कुछ नहीं कर सकते, बट आप जब उनकी बेहतरीन पेंटिंग्स देखोगे और मतलब जो भी मैड ओवर डोनट्स के कस्टमर शॉप पर जाके देखेंगे तो उससे जो रेस्पेक्ट होता है और लोगों की एबिलिटीज़ की तरफ नज़रिया चेंज होता है, आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड स्पेशली ऐसे स्पेसेस में ही होना चाहिए क्योंकि आई थिंक कोई कम नहीं होता है, तो आई थिंक यही थॉट प्रोसेस था। आई थिंक किसी को भी एक प्लेटफॉर्म ज़रूरत होती है। आई थिंक खुद एमओडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक इट इज़ बेसिकली फॉर एवरीबडी, तो अपना जो हुनर है, उसका टैलेंट है, वो दिखा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एसोसिएशन विद एटिपिकल। आई थिंक हमें बहुत खुशी है हम लोग ये कर रहे हैं और आगे भी जाके बहुत कुछ करने वाले, खाली पेंटिंग से लाइक इट विल नॉट एंड देयर। वी आर ऑल्सो डूइंग हायरिंग विद देम, लाइक बहुत सारे लोग हमारे पास अभी काम भी करने वाले हैं। वी विल डू सम मोटिवेशनल स्पीच विद देम आल्सो, बिकॉज इन्होंने ज़िंदगी हमसे ज़्यादा लेके आया ऑलवेज फील, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया टू बी एसोसिएटेड। और मतलब हमारे जो सारे आर्टिस्ट हैं उनका जब ऐसे जगह पे मतलब एमओडी में पेंटिंग लगता है ना, तो वो लोग को खुद से खुशी होती है और वो लोग को काम करने में और उत्साह मिलता है कि हमारा पेंटिंग इतनी अच्छी जगह पे। Not mama. Not mama. Okay, baat. Okay, okay. Baat.